लोनी में अपनी भांजी की शादी करके अपने घर जा रही महिला से की लूटपाट। महिला का कहना है कि वो जब अपने घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठी तो ऑटो में सवार बिंदर रिंकू बंटी और बिंदर की बहन सुरदा पहले से ही ऑटो में बैठे थे। जैसे आजमीना ऑटो में बैठी तो सुरदा ने बैग पीछे रखने को कहा। आजमीना के इनकार करने पर उन्होंने मारपीट कर बैग छीन लिया और भागने लगे। आजमीना के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने बिंदर बंटी और सुरदा को पकड़ लिया, जबकि रिंकू बैग लेकर भागने में सफल रहा। बैग में रखी ज्वेलरी और सामान की कीमत 60,000 रुपए बताई जा रही है। तीनों आरोपियों को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस जांच में जुट गई है, जल्द ही फरार आरोपी गिरफ्त में होगा कह रही है। जी, मैं कल अपनी मम्मी के घर से आ रही थी। कहाँ से? विजय बिहार से। मैं यहाँ पापी पुस्ते से बैठी थी ऑटो में अपने घर जाने के लिए 2 नंबर, और ये 4 लोग बैठे थे ऑटो में, और इन लोगों ने इस बीच पापी से और राशिद गेट के बीच में इन लोगों ने मेरा सामान चोरी कर लिया। लोग थे 4। कौन कौन? जिसमें एक लेडीज थी, 3 जेंट्स थे, जिसमें से 2 जेंट्स पकड़े गए, 1 लेडीज पकड़ी गई, 1 फरार है। किस समय की घटना है ये? लगभग 3:30 बजे की। कल दोपहर 3:30 बजे। जी। आपने तहरीर दी? जी। थाने में तहरीर दी? जी हाँ। क्या कहा इंस्पेक्टर साहब? वो ये कह रहे हैं हम पूछताछ कर रहे हैं, पर अभी तक कोई वो पता नहीं चल रहा है। कल बड़े सर से ही बात हुई थी, वो भी ये कह रहे थे कि हाँ हम शाम को पूछेंगे इनसे, आपका सामान हम दिलवाएंगे। अब बड़े सर आने वाले हैं, फिर उनसे मैं बात करूँगी। क्या क्या सामान चोरी हुआ था? जी, मेरा एक सोने का मंगलसूत्र है, सोने का टीका है, सोने की अंगूठी है, 2 हाथ फूल है चांदी के, 2 कड़े हैं, और एक झूमर है चांदी का, 1 नथ है, और 1 गले का सेट है। तकरीबन कितने का सामान है? तकरीबन ये होगा 50-60 हज़ार रुपये का सामान। जो आपका चोरी हुआ? जी हाँ, 1 लाख के आसपास में होगा, क्योंकि मेरी शादी में चढ़ा था ये सारा सामान। आपकी शादी में? जी हाँ। कहाँ हुई थी आपकी शादी? जी, मेरी शादी विजय बिहार से, मेरी मम्मी के यहाँ से, 2 नंबर से बारात गई थी।